हम आप जो एज ए स्टूडेंट आप क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं, क्या क्या काम है जो आप कर सकते हैं, और कोशिश करें कि हम उन मेथड पे बात करें जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, और जस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करें और टाइम दें और मेथड चलना शुरू हो जाए। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट भी होती है, और कुछ मेथड ऐसे जिसमें कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, जैसे आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट और मेथड चल पड़ते हैं, उन मेथड पे हमने पहले बात करनी है। सबसे पहले के और इनमें से सारे मेथड वो हैं जिन पे वैरायटी मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, और उन्हीं मेथड के लिए आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इनको ट्राई करें, और डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे तो ये मेथड आप शुरू हो जाएंगे। और इन्हीं मेथड से, और जितने भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं ज्यादातर इन्हीं मेथड में से किसी एक से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो स्टार्ट करने का होता है इस ऑनलाइन में, वो इन्हीं मेथड में से किसी एक या दो लोग काम कर रहे होते हैं। और वैसे भी इसमें ये कि जब हम ऑनलाइन अर्निंग मेथड पे बात करते हैं तो एक मेथड पे नहीं काम करते, दो तीन मेथड को हम स्टार्ट करते हैं सेम टाइम, फिर काम चलता है, एक मेथड पे नहीं होते। अगर आपने ऑनलाइन भी काम करना तो दो मिनिमम दो तीन ऑप्शन से आपने स्टार्ट करना है, फिर जाके आपको क्या सक्सेस मिलती है उसमें। साथ साथ इन पे क्वेश्चनों को आप करते जाइएगा, और इनमें सबसे पहला मेथड जो कि वो जॉब का ही है कि आप इस ट्रेनिंग के बाद, वो आजकल कह लें कि कुछ लोग ऑफिस बंद भी हुए हैं, लोग जॉबलेस भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जाके रोजगार पीके पे जाके देखेंगे तो बेशुमार जॉब आपको मिलती हैं। आपको मैं अगर आप में से वो लोग जो जॉब की तरफ आना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि वो कैसे जॉब की तरफ आएंगे, क्या उनको स्टेप लेने चाहिए जब उन्हें अगर जॉब की तरफ आना है। और जो फ्रेश है डेफिनेटली उनको जॉब ट्राई करने में कोई अर्थ नहीं, और कुछ 4-6 माह जॉब कर लें, फिर आज तो अपना भी काम शुरू कर दें, जॉब भी स्टार्ट कर लें, और जब आपका काम अपना बेहतर हो जाए जॉब छोड़ के अपने काम पे आ जाए। अगर फर्स्ट करें जाके मैं जहां अगर एसईओ के हवाले करता हूँ तो आप देखेंगे कि हंड्रेड में जॉब पड़ी होगी लाहौर की मार्केट में एसईओ के हवाले से। आप देखें अभी भी इन हालात में भी कोई 102 जॉब शो कर रहा है, इनमें फ्रेश भी होती है, जिस तरह खासतौर पर जिनमें एक्सपीरियंस 1 साल या 1 साल से कम हो आप उस पर अप्लाई करें, यानी 1 साल तक आप पहुंचे। अगर कोई एक्सपीरियंस 1 साल या 1 साल से कम है तो उन पे आपको मैंने कहा अप्लाई करना चाहिए जॉब के लिए। जिस तरह देखें ये फ्रेश भी लोग इंटर्न भी मांग रहे हैं, अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा तो आप फ्रेश ना जाएं, आप उन्हें कहेंगे मेरा 4-6 माह का एक्सपीरियंस, आप इंटरव्यू दें आप पास हो जाएंगे। उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप इसमें से सारी जो लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस है उन जॉब पे अपनी अच्छी सीवी बना के अप्लाई करें, क्योंकि मेरे पास भी सीवी आती है। मैंने कल परसों एक डिजाइनिंग की जॉब लगाई थी, मेरे कल को 70-80 सीवी है। अक्सर सीवी के अंदर उन्होंने डिजाइनिंग का नाम भी नहीं लिखा था कि क्या, लेकिन वो सीवी आई हुई थी। तो आप फिर इस तरह की सीवी सेंड करके वेट करते हैं तो कॉल कभी नहीं आती। आप एक एसईओ की सीवी बनाएं, एसईओ की चीजें उसमें डालें, आप मेन चीजें एसईओ की डिस्कस करें, ऑफ पेज ऑन पेज पे बात करें, डिफरेंट टूल पे बात करें, ऑडिट पे बात करें, ब्लैक एसईओ पे बात करें, जो चीजें आपको आती हैं वो सारी सीवी में डाल दें उठा के, और उस जगह पे अप्लाई करें जिसने लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हो। अप्लाई करें तो 10-15 जगह पे आप सीवी ड्रॉप कर दें, इतनी जॉब होती हैं जो लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस की जॉब होती है, उनमें आप अप्लाई करें। और जैसे ही आप उन जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको उनमें से मैक्सिमम जगह से आपको कॉल आएगी। उसकी रीजन ये है कि बल्कि देखें कि अगर जो फ्रेश जॉब हमेशा इसमें ज्यादा होती है, क्योंकि ये देखिए साल तक एक्सपीरियंस की 35 जॉब है, इसका मतलब कि आप इन 35 जॉब में से देख लें आपको कौन सी सूट करती है, और एक अच्छी सीवी बना के कॉर्बेट के रेफरेंस साथ दें, साथ मेरा नीचे रेफरेंस दें कि किस टीचर से आपने क्लास की। कॉर्बेट को भी लोग जानते हैं, कुछ मुझे भी लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे अपने स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्होंने जॉब अनाउंस की होती है तो कॉल आ जाती है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाए ऑफ पेज को अच्छी तरह से तैयार कर लें, वो पूछते हैं कि ऑफ पेज क्या आता है, आपको ऑफ पेज की टाइप पूछते हैं, और जो टाइप पूछेंगे फिर उसमें से वो वेबसाइटों के नेम भी पूछ लेते हैं कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग की थी किस वेबसाइट पे की थी, एक दो के नाम याद हों। वो पूछेंगे अगर आपने काम किया तो किस वेबसाइट को रैंक किया था, किस कीवर्ड से रैंक किया था, तो एक आध वेबसाइट को कोई याद कर लें, उसका नेम याद कर लें, कीवर्ड याद कर लें, ताकि वो जो चीजें पूछे उसका आपके पास आंसर हो, वहां जाके आप परेशान ना हो। तो मेरा कहना अगर आप ऑफ पे तैयार कर लेंगे तो 1 ईयर लेस जो एक्सपीरियंस की जॉब होती है वो ऑफ पेड की जॉब होती है, तो आपको ऑफ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जॉब मिले तो पहले दिन कोई लर्निंग का इतना नहीं होता कि आप सोचेंगे पहले दिन ही सब कुछ वो आपको सिखा देंगे, आपने आहिस्ता आहिस्ता चलते जाना, वो आपको पे भी करेंगे प्लस आपको और मजीद सिखा भी देंगे। और सादा पार्ट टाइम अपना काम भी शुरू करें, घर आके वही सारी एक्सपीरियंस जो आपने उस जॉब पे किया था अपनी वेबसाइट पे करें, तो
तो 2-4-6 महीने जॉब करें, आप सीख भी जाएंगे, पैसे भी 4 आ जाएंगे, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, लर्निंग बेहतर हो जाएगी, अपना काम भी साथ चलता रहे, और उसके बाद आप अपना काम पे तवज्जो दे दें, जॉब छोड़ दें, अपने काम पे आ जाएं। तो इस तरह अगर आपने कैरियर शुरू करना तो बेहतर है कि आप जॉब पे रहते हुए फ्रीलांसर बने, फाइबर पे, अपवर्क पे, या आपने अपनी वेबसाइट से बिजनेस करना तो आप अपनी वेबसाइट बना दें, उस पर एसईओ कर लें, उसको रैंक करवा लें, जो भी आपका प्लान है। लेकिन मेरा ख्याल है जॉब पे रहते हुए करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, आप पे बोझ नहीं आएगा और आप चल पड़ेंगे। बाकी अगर आपके पास बजट है तो आप अपनी को बिजनेस वेबसाइट से बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन को स्टोर बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको मैंने तरीकेकार बताया कि ऑफ पेज को तैयार करके जॉब लें और ऑफ पेज पे रहते हुए अपना काम शुरू करें। एज ए फ्रीलांसर आपने बनना है, आपने कोई फाइबर से काम लेना है, आपने वेबसाइट साथ बना के देनी है, आपने फेसबुक पे, गूगल पे, एसईओ पे, जो भी आपने प्लान करना उसके बाद पे करें। उसके लिए आप मुझसे भी मीटिंग कर सकते हैं, आप स्टूडेंट आते रहते मिलने के लिए, आप भी आ जाएंगे, सर मेरे दिन में ये चीज है, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं बेहतर नॉलेज मेरे पास होगा, बिल्कुल मैं आपको गाइड करूंगा, उसके बाद अपना शुरू करें। और बाकी ये कि ज्यादा मशवरे कम लें, मैंने कई दफा क्लास में बात की, ज्यादा मशवरे काम करने में थे, एक दो बंदे पकड़ें जो सीनियर आपके साथ हों, जो आपको गाइड करें, और उनको फॉलो करते हुए फिर आगे बढ़ें। 6 साल के अंदर इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रैक आपके हाथ आ जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल आप सेट होते जाएंगे मार्केट के लिए। ये मैंने जॉब के हवाले से बात की, जॉब लेने के हवाले से अगर आप में से कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में तो बात। बाकी अप्लाई करेंगे गारंटी या कॉल आएगी, इस फील्ड में कॉल हमेशा आती है। आप कोई जो इंटर्नशिप नहीं करना चाहते वो 2-4 माह का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस डाल दें, कोई 2-3 माह का एक्सपीरियंस डाल दें कि आपने इंटर्नशिप की है, मेरी कंपनी का डाल दें कि आपने की है, ऑफ पे तैयार कर लें बस, जो ऑफ पे मुझे आता है, ऑफ पे की 4-5 चीजों की प्रैक्टिस कर लें, गेस्ट पोस्टिंग, और जो हमने लोकल लिस्टिंग की बात की थी, गेस्ट पोस्टिंग की बात की थी, आर्टिकल सबमिशन की बात की थी, याहू आंसर की बात की थी, ब्लॉगिंग की, स्पेशली ब्लॉग बनाने, वो हमने बात की थी, 4-5 चीजों को तैयार करेंगे, मसला हल हो जाएगा बस, इन्हीं में से लोग पूछते हैं और इन्हीं में से जॉब हो जाएगी। बाकी जिसने जॉब देनी होती है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, वो 2-4 बेसिक चीजें पूछता, ट्रेनिंग पूछता की हुई है तो जॉब हो जाती है, और जिसने नहीं देनी होती वो फिर चीजें ढूंढ लेते हैं सारी उधर से इधर से, क्योंकि जब आप फ्रेश जाते हैं तो आपका क्लास में हो सकता चीजें डिस्कस भी हो, सकता ना भी हुई हो, वो चीज ऐसी हो किसी ने पूछ ली वो आपको नहीं आती, तो इसका हर घर मतलब नहीं कि आपको ऐसी नहीं आता। बाद दफा लोग डिमोटिवेट करते हैं, इंटरव्यू देते हैं जब आप देने जाते हैं कि आपको ये नहीं पता, वो नहीं पता, वो कुछ चंद लोग हैं ऐसे, लेकिन उनसे परेशान नहीं होना, वो हद गए होते। जिसने जॉब, बल्कि अगर मुझे पता, अगर मैंने कभी जॉब देनी हो, जब कोई बंदा ऐसा रखना हो, तो ऐसी डिटेल में नहीं जाते, चंद चीजें पूछते हैं, वहीं से अंदाजा हो जाता है कि इसको चीजों का पता है, हर चीज का किसी को भी नहीं पता होता। अगर आप ये सोचेंगे हर चीज का हर बंदे को पता है, तो ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में, हर बंदे को 30 पे 40 50 60 पे 70 पे 100 पे कोई भी नहीं होता। तो चीजें कम ज्यादा होती हैं, तो आपको जितना आता उतना को तैयार करें, जो क्लास में डिस्कस किया जी काफी है, इसको तैयार करें और CV बनाएं, अप्लाई करें, इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, रेफरेंस में मेरा नाम डाल दें, मुझे कॉल आ जाएगी, तो मैं भी वेरीफाई कर दूंगा, इंशाल्लाह जॉब हो जाएगी, तो ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, फ्रेश ही लोग जॉब ले जाते। जी बच्चों, आप में से जो लोग जॉब या इंटर्नशिप के हवाले से थे वो बात करना चालू करने जा, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा और क्या उसका तरीकाकार होगा, आइदर ये कोविड की इस पेंडेमिक के बाद पॉसिबल है या उसके दरमियान भी कोई पॉसिबिलिटी? जी असल में कोई एक आध बंदा तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, देखें जगह तो है मेरे पास, लेकिन थोड़ा सा कोरोना में आप थोड़ा सा फिर बंदे भी कम बुलाते हैं ऑफिस, जो कि मेरा ऑफिस वाबा टाउन में आज ही, बल्कि वाबा टाउन ने ब्लॉक किया हुआ था सारा, तो वो फिर इशूज हैं थोड़े से अभी कोरोना के, क्योंकि जब तक कोरोना नहीं जाता तब तक फिर मैक्सिमम लोगों को एंगेज नहीं किया जा सकता। एक दो को मैंने कहा था चलो मैं रख भी लेता हूँ, लेकिन मैक्सिमम को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फिर वो इशू है डेफिनेटली, पार्किंग भी नजर आती है कि जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं वो फिर वो इतराज करते हैं थोड़ा सा, आपको पता पंजाब गवर्नमेंट जो भी लाहौर में है वो उससे थोड़ा बचने के लिए थोड़ा सा वेट ही करें, मेरा ख्याल है वो मार्केट खोल ही लेने दें। अच्छा सर, एक मेरी छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि वी आर एग्री, ठीक है जी, अभी पेंडेमिक की वजह से हम चूंकि आपको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इशूज है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम, अब चूंकि हमारी क्लास जो है ये बिल्कुल खत्म होने पर आ रही है,
तो सर फिर जो कोई रिवीजन क्लास को भी हम अटेंड कर सकते हैं ताकि हमारा नॉलेज जो है वो अलाइव रहे सर थोड़ा सा, फिर जैसे जैसे करते रहते हैं और चीजें समय लगती है सर बेहतर तरीके से। मेरा ख्याल है कि अभी डेढ़ मंथ तक खुल जाएगा फॉरवर्ड, अभी सितंबर में अभी डेट तो आ रही है, तो मैं कल फिजिकली आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि तब तक इंटर्नशिप भी आना शुरू हो जाएगी और एक फिजिकली रब्ता भी रहेगा, उधर आना शुरू कर देना साथ ही वहां जैसे खुलेगी मार्केट इंटर्नशिप करवा दूंगा। लेकिन ये कि मेरा थोड़ा सा और भी चूंकि मुझे एक बात याद है, चलो आपसे भी शेयर करता हूँ, जो आप मैं सब लोग जो मिलके जॉब के लिए जाते हैं हम, और मुझे कल किसी की सीवी आई तो मैंने कॉल की उस पर, तो जिस जगह उसने पहले काम किया हुआ था उसने सीवी में मेंशन किया हुआ था, वो बंदा मेरे जाने वाला था कि जहाँ उसने पहले काम किया हुआ था, तो मैंने उसी को वेरिफिकेशन की कि पहले बंदा कैसा है, तो बाद में मुझे उस कैंडिडेट की कॉल आ गई, तो मैंने बताया कि आपने फलां जगह पे कॉल की है जॉब की और मेरे जाने वाला था, वो उसको बुरा भला कहना शुरू हो गया कि वो तो बॉस ऐसा था बहुत वैसा था, तो मैं उसको मैंने कहा कि एक तो पहली बात है कि मैं जॉब पे बिल्कुल नहीं रखूंगा आपको, दूसरा गाइड ये भी करूंगा कि जब कभी आप जॉब पे जाते हैं अच्छे बुरे हालात हर जगह पे होते हैं, घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं दफ्तर में भी होती हैं, अगर आप बुरा कह के पुराने बॉस को बुरा कह के नई जॉब की तरफ जाएंगे तो कभी जॉब नहीं मिलेगी आपको, नया बंदा कभी नहीं रखेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव रहें अच्छा रहें, सुलह से पीछे हट जाएं, पुरानी कंपनी से दरवाजे बंद ना करें, वापस भी आना पड़ता है ना भी आना पड़े दुआ शाम चलती रहनी चाहिए, रेफरेंस होता है, लोग छोटी सी मार्केट है लोग फौरन पता चल जाता है कौन किस तरह से निकला है, तो एक अच्छे रिलेशन में अच्छे पॉजिटिव के साथ वो जैसे सुनते हैं ना आप जो थोड़ा सा भर जाता है वो थोड़ा सा फिर बोलना कम हो जाता है, तो कम बोल के जॉब लें, अगर पुरानी जॉब चली गई तो कोई मसला नहीं, सबकी जॉब गई है, आजकल हालात बुरे थे लोगों को निकाला, लोग ये भी इतराज करते हैं कि बताए बगैर निकाल दिया, पर मेरे जब हालात बुरे होंगे तो फिर ये इस तरह की आफत जब भी आती है दुनिया में ऐसे ही होता है, तो उसमें परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहें हमेशा, कुछ नहीं होता, जॉब आने जाने वाली चीज आती फिर जाती है फिर आ जाती है, लेकिन पॉजिटिव रह के चलें, पुराने को भी अच्छा कहें अगले को भी अच्छा कहें, खुद ही अच्छी ऑप्शन आगे निकलती रहती है। क्योंकि कभी कभी मैं देखा ना गोरों की कभी वो न्यूज आती है, फर्ज करें कोई फैमिली में कोई इशू बन गया, डिवोर्स वगैरह हो गई, वो बड़ा उन्होंने लिखा होता कि बड़े ऐसे तरीके से आपस में मामला उन्होंने सुलह सफाई से खत्म हो गया, हमारे यहाँ है एज ए मुस्लिम खासतौर पाकिस्तान के अंदर जो भी मामला होना पहले लड़ाई करनी है उसके बाद सारा काम होना है, तो वो सुलह से भी जॉब जा सकती, कुछ नहीं होता, फिर आप अलग रहना चाहिए, जॉब के मेन बातों को पीछे भी आपको आना पड़ता है क्योंकि मार्केट के हिसाब से बिल्कुल नहीं पता होता, पॉजिटिव रह के चलना, पुरानी जॉब कभी नई जॉब पे जाके पुराने बॉस को बुरा भला नहीं कहना, जिस तरह हम अपने बाकी रिश्तों की केयर करते हैं वो बॉस का भी रिश्ता ऐसे ही होता है, नई जगह पे बिल्कुल जाए हक का सबका जॉब चेंज करना लेकिन पॉजिटिव तरीके से, बिल्कुल दरवाजा ना बंद होने दें कोई भी। उसके बाद हाफिज अब्दुल रहमान साहब फरमा रहे हैं सर के वैल्यूएशन के लिए कोई है टू लेक्चर में असाइनमेंट के साथ हमारी वैल्यूएशन, बच्चे असल में वर्चुअली एवेल्यूएशन इतनी अच्छी हो नहीं सकती क्योंकि आप जो भी देंगे वो इंटरनेट से करके देंगे, फिजिकली हो तो एग्जाम हो, जैसे ऑनलाइन हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम ले रहे हैं जहाँ क्लासेस करते हैं तो बच्चे सारा नेट से उठा के दे रहे हैं, जो भी उनको देते हैं एग्जाम वो इंटरनेट से उठा के जवाब दे देते हैं, जवाब से पता चल जाता है जो टीचर ने भी नहीं करवाया होता वो जवाब में लिखा होता है, इसलिए मेरा ख्याल इंटर्नशिप ही आपका बेहतर है, आप इंटर्नशिप का थोड़ा सा वेट कर लें, मेरे ख्याल अगर डेढ़ माह तक इंस्टीट्यूट ओपन होगा तो कंपनी भी सारी ओपन हो जाएगी, जॉब ओपन हो जाएगी, आना शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप वगैरह, तो कहीं आप रबते में रहें एक आध रीटेक जिनके पास टाइम है कर लीजिएगा, मैं करवा दूंगा इंटर्नशिप, हमेशा ही करवाई है, लेकिन आप थोड़े से हालात ऐसे हैं कि बाहर से कोई कह नहीं रहा, तो मैं अपने पास दो तीन रख लेता होता हूँ वो मैं हमेशा ही रखता हूँ हमेशा हर क्लास में से, लेकिन ये कि वो फिर थोड़ा रश का इशू है। उसके बाद लोग कह रहे हैं जी सर आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद इन ए ग्रुप फ्रॉम क्लास वन, उसमें जो कि ग्रुप में भी काम किया जा सकता है मिलके काम कर लें, जिस तरह आपकी क्लास में से एक साथी मुझे आज ऑफिस में मिलने आया हुआ था वो भी दो तीन लोग मिलके काम करें, दो तीन लोग मिलके काम कर लें, और बात दफा वो लोगों ने लिखा होता है अक्सर कि पार्टनरशिप ना करें इसमें ये हो जाता है वो हो जाता है, मेरा इसमें डिफरेंट तरह का है कि पार्टनरशिप सबकी ब्रेक होनी होती है दो छह माह साल दो साल, लेकिन आप इसको ऐसे पॉजिटिव लेकर चलेंगे जब पार्टनरशिप भी किसी के साथ होती है तो जो ए बंदा है उसका भी एक्सपीरियंस है आपका भी, फर्ज करें आप मेरे साथ पार्टनरशिप करते हैं मेरा भी कोई एक्सपीरियंस होगा आपका भी होगा, कुछ चीजें आप में अच्छी है कोई मेरे में अच्छी है, जब दो बंदे मिलकर आपस में काम करते हैं अगर वो साल दो साल से ज्यादा नहीं भी चलते लेकिन एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं, एक दूसरे से मिलकर काम करने से उनकी बेस बन जाती है, वो बाद में अकेला भी शुरू कर लेते हैं, इसलिए बिल्कुल ना डरें पार्टनरशिप से मिलकर काम शुरू करें,
कल को अगर कोई साल दो साल बाद आपस में आप सेपरेट भी होते हैं तो कोई मसला नहीं, कल को आप एक दूसरे से इतना सीख चुके होंगे कि आप अकेले भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो मिलके भी काम किया जा सकते हैं। बिल्कुल हमारे मिल जाएगी, बिल्कुल हैं जी पढ़े हुए एससीयू के। बिल्कुल जी कर लें बाबर साहब, आप अगर मिलके काम करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कहीं ऑनलाइन असल में होता जी कि क्योंकि आप ऑनलाइन मिलके नहीं काम होता जी, कहीं बैठ के होता है क्योंकि आप इकट्ठे बैठ नहीं सकेंगे, अलग-अलग रहते हैं, कोई ऑफिस नहीं है, थोड़ा सा मसला बनेगा आप लोगों को, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करें जी। जी सादिया कर लें क्वेश्चन, आपकी वेबसाइट में क्या इशू है? सर मेरी ब्लॉग वेबसाइट है तो उसमें कीवर्ड्स का इशू आ रहा था, लॉन्ग टेल को प्रेफर करना चाहिए या शॉर्ट को? आपकी तो एडसेंस की वेबसाइट है, आपको तो लॉन्ग टेल पे रहना चाहिए क्योंकि एडसेंस में कंटेंट ज्यादा डलता है, उसमें ज्यादा फिर आप उनका ऑफ पेज नहीं कर पाएंगे ज्यादा शॉर्ट कीवर्ड का, तो क्योंकि आप फिक्स कंटेंट होते हैं उन पे हम शॉर्ट कीवर्ड बाद में ले लेते हैं, उसका वेबसाइट का थोड़ा सा पैटर्न और है क्योंकि आपने डेली आर्टिकल लगाने होते हैं और आपने एडसेंस अर्न करना है तो आपको तो लॉन्ग टेल पे रहना पड़ेगा। ओके सर, सर फिर जो कीवर्ड्स होंगे उनकी सिलेक्शन गूगल कीवर्ड से ही? जी कीवर्ड्स की जो सिलेक्शन होगी, जो आइडियाज वगैरह होंगे कि कौन से ट्रेंडिंग है, तो उनके गूगल कीवर्ड से ही, कीवर्ड प्लानर से ही आइडिया लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल एडसेंस के लिए कीवर्ड प्लानर पे जाने की जरूरत इतनी नहीं होती, जबकि आपने डेली आर्टिकल लगाने होते हैं आप जो भी उस आर्टिकल की मेन हेडिंग है उसी को रखें क्योंकि आपको इतनी वर्किंग की जरूरत नहीं है, उसकी रीजन है कि आप अगर एडसेंस पे काम करती हैं डेली एक दो पोस्टें तो करती होंगी आप, दो आज होंगी कल होंगी दो परसों होंगी, महीने में आपकी 60-70 पोस्टें तो उसका ऑफ पेज आप कैसे करेंगे, मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग शॉर्ट की वर्ड रखे, तो बेहतर है कि आप उसको और जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग रख के ही उसको चले। सर एक शादिया प्लीज शेयर योर वेबसाइट। अच्छा आप अब्दुल रहमान फरमा रहे हैं, सर एक टीचर आज पेड सॉफ्टवेयर का कह रहे थे, क्या कह रहे थे पेड सॉफ्टवेयर का? अब्दुल रहमान आप बताएं कि एक सॉफ्टवेयर का क्या बोल रहे थे? अस्सलाम सर, हेलो, पहले अब्दुल, हाँ जी बोले बोले। हाँ जी सर, वो कह रहे थे कि हाई रेफ जो है ना ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के सिमरेश है ना, ये पेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो मैं सर जानना चाह रहा था कि मैंने थोड़ा सा लेक्चर देखा है तो वो सर वो भी एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि हमने तो और देखे ना सॉफ्टवेयर जो पेड हैं जिसका आपने जिक्र किया है। सर मैं देखिये मैं थोड़ा सा हकीकत में रह के बात करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर जो पेड है ये मैंने शायद बताया भी था किस तरह से मिलते हैं, एक तो मैंने कहा था फ्री इनके ट्रायल होते हैं, फिर कुछ मिडल मैन इनको ले लेते हैं आगे रीसेल कर रहे होते हैं, कोई कुछ है कि आप जाके इन कंपनी से प्रॉपर बाय कर लें तो वो जो प्रॉपर बाय करने वाला वो आपको सूट ही नहीं करता क्योंकि इनके रेट बहुत ज्यादा है, सैमरेश भी 100-150 डॉलर तक पर मंथ चार्ज करता है, वो पाकिस्तानी करेंसी में 20-25 हजार का मंथली बिल बनता है, तो वो आपको सूट ही नहीं करता इस लेवल पे। अगर आपके पास कोई काम अभी आता भी है तो आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर से काम चलाएं, जब थोड़ा अगर पेड पे भी जाना पड़ेगा वो किसी सीनियर को रिक्वेस्ट कर लें कि मुझे इसकी रिपोर्ट बना दें या कोई ऐसा हो जाए, लेकिन आप शुरू में मेरे ख्याल जब तक आपके पास कोई 4-5 वेबसाइट नहीं आती पेड का सोचना भी नहीं आपने, अक्सर मंथली बिल पे है तो मंथली बिलिंग कैसे हैंडल करेंगे आप? जी बच्चों और कोई बात करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम सर,
बस जी जी तुसी बोले सर। जी सर हम ना आप जिनके सर आपसे इनके शायद आपको आईडी को सर हम एंड वो आपसे ना सर वो थर्सडे को हम लेक्चर भी ले रहे हैं मतलब साथ में हम आपसे स्टूडेंट इनके वो आप पढ़ाते नहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल वहाँ पे भी हमसे लेक्चर सर उसकी वजह से ना यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से तो कुछ लेक्चर ना हमसे मिस हो गए हैं मतलब सैटरडे संडे को भी हमारी वहाँ क्लास हो रही होती है सैटरडे को भी आज क्लास थी तो कुछ लेक्चर मिस हो गए तो उसके लिए आपने कहा था कि कोई मसला होगा तो आप रीटेक कर सकते हो थोड़ा सर उसके बाद बताते हैं कि अगर हमारे कुछ लेक्चर मिस हो गए तो रीटेक कैसे लेंगे या कोई और का कोई सलूशन हो गुजारा यूनिवर्सिटी में भी आपसे पढ़ रहे हैं यहाँ पढ़े तो कुछ लेक्चर मिस हो जाते हैं हमसे वो फिर रीटेक ही ऑप्शन होती है क्योंकि रीटेक होते रहते हैं क्लास चलती रहती है अभी तो थोड़ा सा कम होगा लेक्चर जैसे गवर्नमेंट ओपन होगा तो क्लासें तो फिर आप जिस मर्जी क्लास में बैठ के ले लें तो नेक्स्ट भी आप ही सर इनकी क्लास करेंगे ना है नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट सेशन जो आएगा या वो भी आप ही इनकी टेक करेंगे हाँ जी क्लास मैं ही करता हूँ एसयू क्लास मैं ही करता हूँ ठीक है सर थैंक यू बिल्कुल जी स्टार्ट में आप गूगल के टूल पे रहें कुछ नहीं होता इतनी ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती लोकल क्लाइंट इतनी ज्यादा नहीं डिटेल रिपोर्ट मांगते कि आप गूगल के टूल ना दे सकें बहुत सारे मसले गूगल के टूल से अभी भी हम हल करते हैं तो थर्ड पार्टी पे जाने की शुरू में 6 माह साल आपको जो पेड टूल लेने की जरूरत नहीं होती मैं अभी फैसल जो आपने बात की इस पे मैं करता हूँ बात अच्छा उसके बाद आ जाए नंबर 2 पे कि आप तो अपना को मार्केटिंग का जो शुरू करें सिलसिला या आप में से अक्सर लोग क्लास में हैं जो सीनियर जो कर सकते हैं और मैं अक्सर फेसबुक पे लोगों की पोस्ट देखता हूँ बहुत कम एज के लोग जो काम कर रहे हैं जिनको बात भी करनी नहीं आती अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है लेकिन वो भी कर रहे हैं मार्केट में आप में से जो थोड़ा सा सीनियर लोग हैं थोड़ा सा बोलना जानते हैं वो 2-3 मिलकर जो काम शुरू करें जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्च से शुरू करें मैंने पहले भी क्लास में एक दफा बात की थी कि ये सबसे आसान काम है इन दिनों में एक हॉट बिजनेस है आप शुरू कर सकते हैं लेकिन 2 मिलके कर लें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए फ्री में काम शुरू हो सकता है अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करें इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए वेबसाइट आप अपनी बनाएं ताकि अगर लोकल मार्केट में काम करना फिर आपको वेबसाइट और फेसबुक का पेज चाहिए होगा सबसे पहले आप वेबसाइट बनाएं फेसबुक का पेज अपना बनाएं और फिर गूगल बिजनेस मैंने आपको करवाया था गूगल बिजनेस अभी आप लोगों ने किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक अगर गूगल बिजनेस आपने शुरू किया होता तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि अब तक गूगल बिजनेस पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाता जी सर ये मैं बात अभी बोल रहा हूँ अभी आ रही है वॉइस मेरी अच्छा तो इसका तरीकेकार ये है कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है वैसे इस काम में करने में कि अपना कुछ सर्विस का काम शुरू किया जाए डिजिटल मार्केटिंग का कोई है बंदा जो करना चाहता हो दो लोग हमारे ना सर काफी लोग हैं जी मसल किसी के साथ मिलके बिल्कुल आप ग्रुप बना लें जो क्लास में लोग हैं आपस में मिलके कर लें मैंने आपको बहुत थोड़ा सा हौसला दिया कि मिलके काम करें कुछ साल 2 साल भी इकट्ठे काम कर गए तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे टीचिंग पे भी आते हैं जी अच्छा उसके बाद पहले आप करें कि इसके लिए पहले वेबसाइट आपको चाहिए होगी क्या बात है आपने जी क्लाइंट कहाँ से ले लिए क्लास में आप बता ही नहीं रहे लोगों को थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से क्लाइंट और कैसे लिए पहले तो आप बताइएगा नासर साहब का मैसेज आया हुआ कि 2 क्लाइंट मैंने लिए हैं सर बताएं कहां से लिए हैं हेलो
जी जी वो कह रहे हैं मैंने वेबसाइट बनाई, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें स्टार्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका, खासतौर पे कोरोना के दिनों में तरीका क्या इसका होगा कि आप एक वेबसाइट अपनी खड़ी कर लें, किसी भी नेम से वेबसाइट बनाए जो आपको अच्छा लगता है, फेसबुक का पेज बना दें। वेबसाइट बन गई, फेसबुक का पेज बन गया आपका। अब अगला प्रोसेस ये कि उस वेबसाइट को भी कम, उसका ऑन पेज हल्का सा ऑफ पेज शुरू करें, ऑन पेज तो करें ना, ताकि जिस बंदे ने काम देने के लिए आना वो आपकी वेबसाइट पहले देखता है, वो वेब अच्छा क्लाइंट आपकी वेबसाइट देख के आएगा तो आपकी वेबसाइट का ऑन पेज अच्छा हो। नहीं समझ आती, एक आध पेज किसी सीनियर से करवा लें, उसके बाद आप खुद कर लें, फिर ऑफ पेज शुरू करें और एक आध फेसबुक का पेज बना दें, फेसबुक के पेज के ऊपर पोस्ट करना शुरू करें, अपडेट करना शुरू करें, ताकि थोड़ी सी एक्टिविटी चलना शुरू हो, आपके ब्रांड का लोगों को पता चलना शुरू हो, डिफरेंट ग्रुप में उसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। और जिस दिन आपका पेज और वेबसाइट बन गई, और 15 दिन 20 दिन के अंदर चीजें तैयार कर लेंगे, जब ये चीजें तैयार कर लेंगे, अगला प्रोसेस ये आपने करना है कि आप गूगल को पीपीसी को ट्राई करें। पीपीसी आपको पता है जो $45 आपने देखा था फ्री गूगल देता है, आप गूगल के जो फ्री डॉलर लेके, इसका $45 का मतलब जो कि आपके पाकिस्तानी को 8-9 हजार बनेगा, आप 8-9 हजार की गूगल से फ्री कंपेन ले सकते हैं एक अकाउंट पे, एक ईमेल अकाउंट पे 8 हजार की फ्री कंपेन मिलती है, आप फ्री कंपेन चला दें। और साथ थोड़ा सा अगर बजट आप फेसबुक पे भी लगा दें, फेसबुक पे मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बताता हूँ, क्योंकि हम खुद कंपेन करते हैं, अगर फेसबुक पे आपको 10 हजार लगा देते हैं तो 10 हजार के पीछे आपको मिनिमम भी कोई 50+ क्लाइंट आपसे रब्ता करते हैं। आप उससे बात कैसे करनी, क्योंकि हमें अगला जो देखिये जी मैं बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, अगला प्रोसेस की उससे बात कैसे करनी, सेल कैसे करना। सेल में वो आपसे पूछेगा क्या आपने पहले क्या काम किया, आपकी प्रोफाइल क्या है, कैसे करेंगे, आपका काम मुझे कैसे बेनिफिट देगा, आपने मेरे जैसा बिजनेस पहले कभी काम किया, ये सारी चीजें आपने, ये 8-10 क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको चाहिए होते हैं। मतलब क्लाइंट के पहले, क्लाइंट पहला पूछता है कि आपने इस बिजनेस में पहले किसके लिए काम किया, हमारे बिजनेस के लिए कौन सा टूल सूट करेगा, आप बताएंगे भाई आपके लिए फेसबुक सूट करेगा, गूगल सूट करेगा, कितना खर्चा आएगा, कब मुझे सेल मिलना शुरू होगी, इस तरह के 4-5-6 क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन हर क्लाइंट करता है, उनके आंसर आपने तैयार करने होते हैं, उनके आंसर आप दें। क्योंकि ट्रेनिंग को 2-3 माह लगे, मार्केटिंग को हो सकता है आपने 10 दिन लगाए हों, सेल में सिर्फ 5 मिनट चाहिए होते हैं आपको, क्योंकि सेल कॉल आपको आई हुई है, चैट आपसे हो रही है, 5 मिनट के अंदर यस नो होना है, या 5 मिनट में काम मिल जाएगा या वो चला जाएगा, तो सेल में टाइम बहुत कम होता है, तो उसकी तैयारी करके रखना है कि जब क्वेश्चन आएगा आपने आंसर क्या करना है। अगर आप अच्छा आंसर करेंगे तो वही काम मिल जाएगा, अगर आप आंसर नहीं कर सकेंगे, जितना मर्जी प्रैक्टिकल आता हो काम नहीं मिलता। मैं सिर्फ ये थ्योरी साथ डिस्कस ज्यादा करता हूँ क्लास में, क्योंकि मैं ये जानता हूँ जिसको बात नहीं करनी आती वो नेट से काम नहीं ले सकता, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो क्लाइंट को ये एहसास नहीं करवा सकता है कि मैं आपका बिजनेस बेस्ट प्रमोट कर सकता हूँ, वो काम नहीं ले सकता। आपको बोलना ज्यादा अच्छा आना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आना चाहिए, उसकी पहले तैयारी करें, प्रोफाइल में कुछ 4-5-6 कंपनी के लोगो ऐड कर लें कि मैंने इनके लिए काम किया, लोगो नहीं है तो किसी सीनियर से ले लें कि जानने वाले से, कि ताकि प्रोफाइल में कुछ लिखा हो कि आप पहले क्या कर चुके। फिर उस सेल के में जो क्वेश्चन आता है उसको तैयार करें, क्वेश्चन मैंने कुछ आपको बताए जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी होगी तो क्लाइंट आपका आपके पास एवरेज अबव एवरेज आएगा, अगर आपकी वेबसाइट की अपनी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो क्लाइंट आपका लो आपके पास लो प्रोफाइल का आएगा। अच्छी अर्निंग एसईओ से है, फेसबुक से कम है। एसईओ क्लाइंट लंबे अरसे चलता है, 6 माह साल 2 साल भी चलता है, फेसबुक का क्लाइंट इतना लंबा अरसा नहीं चल सकता। अगर आप मेरे कहने पे ये एक्सपेरिमेंट कर लें, फेसबुक का पल्ले से लगा लें, गूगल का फ्री मिल जाएगा, इतनी इन्वेस्टमेंट काफी है आपको एक स्टार्ट करने में। शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, क्लाइंट की कॉल से
क्योंकि बहुत दफा मैंने देखा ऐसे लोग भी कॉल करते हैं, कई दफा मुझे भी कॉल ऐसे आती है कि वो कहता जी मैं मार्केटिंग में खुद 15-20 साल से 25 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। अब उस लेवल की कॉल थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन शुरू में थोड़ा सा 2-3 क्लाइंट खराब होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना। शुरू में अगर डिस्कशन अच्छी नहीं होती काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं परेशान होना। अगर आप ये सोच के काम शुरू करेंगे अगर मेरी क्लाइंट से मीटिंग होती है, तो अगर वो मीटिंग नहीं भी डन होती, आप मीटिंग से बाहर निकलते हुए कॉल ऑफ करने के बाद सिर्फ ये सोच लें कि मैंने इसे क्या सीखा क्या था इससे, तो आप अगली मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप परेशान हो जाएंगे यार मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जा क्लाइंट से नाराज होना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं होना। आपने अच्छी कॉल एंड करनी है, अच्छी मीटिंग एंड करनी है। बाद में आप नहीं भी डन होता तो आप सोचें कि मैंने इससे क्या मैंने सीखा आज, अच्छा क्या सीखा, मेरे से क्या गलती हुई, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में आप उसको ठीक कर लें। 2-3 मीटिंग ऐसे करेंगे बाद में, अगर आप 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो आप जल्दी विन करेंगे। उसकी रीजन है कि इसकी एग्जाम्पल ऐसे लें जैसे मैच में अगर दोनों बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं तो स्कोर बड़ा अच्छा और जल्दी बन जाता है। एक बैट्समैन अकेला परफॉर्म करने वाला हो, दूसरे एंड पे बॉलर हो, तो अक्सर मैच हार जाते हैं। इस तरह जब आप अकेले होते हैं तो अकेला बंदा बात दफा मीटिंग में बोल नहीं सकता, कोई चीजें मिस कर जाता है। जब मीटिंग 2 लोग हों तो कोई एक बंदा बात कर रहा है, कोई दूसरा बात कर रहा है, तो दोनों फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल अगर आप 10 क्लाइंट में से कोई 2-3 तक भी चले जाएं तो बहुत बड़ी रेशियो होगी आपकी सेल की। तो लेकिन ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस आएगा, पहले दिन किसी के पास भी नहीं होता, वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न करके एक अच्छी कंपनी बना लेते हैं। फिर चूंकि आजकल इस काम में बहुत ज्यादा ट्रेंड बना हुआ है तो आप थोड़ी सी एफर्ट करके ये काम कर सकते हैं। वेबसाइट का आपने पूछा क्या चार्ज करना चाहिए, आप रेट थोड़ा सा दरमियाना सा रखें, वो नीचे भी ना आए बिल्कुल। अगर आपकी कोई स्टैटिक वेबसाइट 30-35 में बना दें, ई कॉमर्स है 50-60-70 में बना दें, बस ये रेट मार्केट में दरमियाना सा रेट है। बहुत ज्यादा कम भी अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा ज्यादा करना भी अच्छा नहीं होगा। और को बात करना चाहेंगे इस स्टार्ट में, आपको कोई स्टार्ट में बिल्कुल ऑफिस ना लें, घर से बैठ के शुरू करें, घर का एड्रेस दें, कोई मीटिंग नहीं होती शुरू में, लोग ऑनलाइन ही रब्ता करते हैं। जब तक 3-4-5 क्लाइंट आ नहीं जाते तब तक ऑफिस का नहीं सोचना, क्लाइंट आ जाएंगे फिर ऑफिस का सोचिएगा। ना सर मेरी वेबसाइट पे वैसे रेट लिखा हुआ है, बाकी रेट हर रेट फिक्स नहीं होता, असल में रेट होता है ब्रांड का, सर्विसेज का रेट नहीं होता। वो सर्विस मार्केट में मैंने एक मुझे बल्कि किसी का SMS आया कल परसों के 2500 में ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाए। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं, मार्केट में लोग 60-70 की ई कॉमर्स भी बनाते हैं, मार्केट में लोग 3-3 लाख की भी ई कॉमर्स, बिल्कुल 2500 जी मेरे पास SMS पड़ा हुआ। लेकिन 2500 वाले के पास जो लोग जाते हैं वो 2500 भी जाया कर लेते हैं, इसलिए आप अपना रेट अच्छा रखें, कम रेट पे कभी काम ना करें, रेट खराब नहीं करना, आप अपना अच्छा रेट पे रखें, आप अपना ब्रांड ऐसा बनाएं कि लोग खुश हो के आपको पैसे दें। कोई भी अच्छी कंपनी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, लोग अच्छा पे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करना चाहता, अपने ब्रांड के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करते लोग। आप अपना रेट मुनासिब रखें, जो मार्केट का एवरेज रेट है बस उस पर फाइट करें, आप अपनी सर्विसेज पे विन करें, कॉन्फिडेंस दे के मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। किसी को बुरा नहीं कहना कि वो खा जाएगा, वो भाग जाएगा, वो ऐसे करेगा। आप अपनी सर्विसेज पे बात करें कि मेरा, हम किसी को नहीं जानते लेकिन हमारा ये रेट है, उसकी रीजन है कि हम ये सर्विसेज देते हैं और ये हमारे क्लाइंट्स हैं, आप इनको पूछ भी सकते हैं, ये हमारा रिजल्ट है। बजाय कि आप उसको कहें कि वो पैसे लेके भाग जाएगा, वो खा जाएगा, वो नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करें कि आप अपनी अपनी
एक्सपीरियंस का जो है वो उससे डिस्कस करें कि हम ये करेंगे आपके लिए। मैंने कहा बिल्कुल ऑफिस नहीं चाहिए आपको, आपको घर से स्टार्ट करना चाहिए। 5-10 क्लाइंट तक आप घर ही रहें, जब आपको लगे कि काम बेहतर हो गया, आपको स्टाफ टीम चाहिए साथ, तो फिर आप ऑफिस ले लें। ऑफिस भी आप कोई नॉन कमर्शियल बिल्डिंग में चले जाएं, किसी प्लाजा के टॉप पे चले जाएं, रेंट भी कम होता है और वहां बैठ के काम करें। आपका तो आपको तो कमर्शियल पे आने की जरूरत ही नहीं है। ये बच्चों को जहां कोई क्वेश्चन आप करना चाहिए, किसी मजीद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। आप अपना स्टार्ट करें, जब आप फील्ड में आएंगे तो आज साथ चीजें खुद ही ऐड होती जाएंगी। जी बच्चों कोई और कोई बात, कोई क्वेश्चन? चुप कर गए सब लोग। तीसरी ऑप्शन आ जाए कि जो अभी मिसालिये बात कर रही थी, इन्होंने जो शुरू कर रखा है, लोग गूगल से एड्स, गूगल के ऐड लगा के भी अर्न करते हैं। पाकिस्तानी हर वेबसाइट पे गूगल के ऐड लगे हुए, आप भी इस काम में आ सकते हैं कि गूगल के ऐड से अर्न करें। गूगल के ऐड से अर्न करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप एक अच्छी वेबसाइट बनाएं और उस पर डेली कंटेंट अपलोड करना शुरू करें। कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड आप वेबसाइट, मोबाइल पे, गेम पे, फैशन पे, ब्यूटी पे, हेल्थ पे, आईटी पे, किसी सब्जेक्ट पे, गेम पे, किसी पे भी हो सकती है। डेटा सर्विसेज की वेबसाइट बच्चे जैसे मेरी वेबसाइट देख लें, किसी और की देख लें, इस तरह की वेबसाइट एक सिंपल सी वेबसाइट होती है, लेकिन अच्छी बना के उसको चलाएं। नहीं बनानी आती बनवा लें, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट आपने हल्की फुल्की बना के नहीं सामने लेके आनी, अच्छी लुक के साथ सामने आना है ताकि लोगों को लगे कि ये अच्छी एजेंसी की अपनी वेबसाइट भी प्यारी है। अच्छा, गूगल एडसेंस का मैंने बात की। गूगल एडसेंस बहुत अच्छा मेथड है, स्ट्रॉन्ग मेथड है, 20 साल से मार्केट में कर रहा है, बहुत लोगों ने अर्न किया उससे, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी होती है।
कि आप एक अच्छी वेबसाइट बनाएं, 3-4 माह उसको पुरानी होने दें, उस पर अच्छे को 50-60 आर्टिकल लगाएं और उसका ऑन पेज करें, ऑफ पेज शुरू करें, उस पर ट्रैफिक लाएं। और जिस दिन आपकी गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे को 500-700-800 डेली ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, वो एक चलना शुरू हो जाता है प्रोसेस, आपकी एड पे क्लिक आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी वेबसाइट को बना के उस पर ट्रैफिक ला के गूगल को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मुझे ऐड दे दें, गूगल आपको ऐड देता है, गूगल भी कमाता है, आप भी कमाते हैं। लेकिन हम बात दफा जो गलती करते हैं कि वेबसाइट आज ही लेते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कंटेंट किया, ऐड के लिए अप्लाई कर दिया, गूगल ने आपको ऐड नहीं दिए और फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। उसका एक प्रॉपर एक मेथड है जिसको फॉलो करना होता है। जैसे मैंने कहा एज वेबसाइट की 3-4 माह हो, 50-60 आर्टिकल लगे हों, थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी आती हो, शुरू में आर्टिकल यूनिक रखें और गूगल को अप्लाई करें कि मुझे ऐड चाहिए, गूगल आपको 2-3 दिन के अंदर अप्रूवल दे देगा, आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगाएं, आप अपनी ट्रैफिक को बढ़ाने पे ध्यान दें, ट्रैफिक बढ़ेगी तो ऐड खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। ऐड पे क्लिक होता है, क्लिक तभी होगा जब ट्रैफिक होगी। आप देखें जितनी भी वेबसाइट हमने डिफरेंट टाइम पे क्लास में डिस्कस की है, मैं जिस तरह भी आपको फर्ज करें कि वेबसाइट आपको दिखाता हूं, कोई वेबसाइट खोल लें जो आपकी फर्ज करें डेयरी पाकिस्तान भी खोल लें, वेबसाइट खोलेंगे जगह जगह गूगल के एड इस पे चल रहे हैं। अब ये आपको सारा दिन जो हर जगह पे इंटरव्यू लेने पहुंचा होता है, इसको क्या जरूरत है हर जगह पे इंटरव्यू लेके जाने की। बेसिकली इसकी वेबसाइट पे गूगल के एड कन्फिगर हैं, जितने लोग देखें ये सारे जो लेफ्ट पे देखें ये एड लगा हुआ है, लेफ्ट पे जो सारा एसी के जो सारे एड लगे हुए, ये इसलिए काम कर, अगर इनकी वेबसाइट पे एड आज हट जाए कल को नजर भी ना आए मार्केट में, इनका काम ही इसी पे चलता है। ये उर्दू में भी काम हो सकता है लेकिन इंग्लिश की काम की वैल्यू ज्यादा, जबकि उर्दू में करेंगे तो सारा फिर ट्रैफिक पाकिस्तानी रहेगी। इसकी ज्यादा अर्निंग तब होती है जब ट्रैफिक बाहर से हो, यूएसए से ट्रैफिक सबसे ज्यादा क्लिक रेट यूएसए से है। और अक्सर लोगों ने फिर आजकल बड़ा लोग शेयर कर रहे हैं कि मेरी पहली अर्निंग कितनी थी, मैंने काम शुरू किया था, मेरा भी बल्कि अपने कैरियर का स्टार्ट यही से था, मैंने 2005 से शुरू किया था इसी मेथड पे जो आज आपको बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल मुझे जो पहला जो आया था वो इतनी अमाउंट की था जो मुझे चेक आया था, स्टार्ट मैंने यही से किया था जो 2005 की बात है। तो ये मेथड बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट पे तवज्जो देनी होगी। इसकी इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो एक ही चीज का है कि आपके पास कंटेंट कितना अच्छा है, इसके पास पीछे और कोई फॉर्मूला नहीं। एसईओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कंटेंट है, कि कंटेंट अच्छा डेली फ्रेश कंटेंट इसमें लगे। अगर आप डेली फ्रेश कंटेंट इसको देते हैं, मैंने फिर कहा कि नए बंदे के लिए सबसे स्ट्रांग मेथड है। और जो इस मेथड पे काम करते हैं वो तो बड़े खुश हैं इमरान खान से कि डॉलर डेली बढ़ रहा है, उनकी अर्निंग बढ़ रही है। जो डॉलर आज से पहले साल 2 साल पहले 100 का था वो आज 170 तक पहुंच रहा है, भाई उनकी अर्निंग बैठे बैठे बढ़ जाती है रोज, वो जितना भी कमाते हैं डॉलर ऊपर है तो उनकी अर्निंग बढ़ रही है। और फिर भी इसके पीछे गूगल है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपने इस मेथड पे काम करना है तो उर्दू वेबसाइट ना बनाए, इंग्लिश वेबसाइट बनाए, बाहर के सब्जेक्ट रखें, लोकल सब्जेक्ट ना रखेगा, पाकिस्तानी क्लिक का रेट बहुत कम है। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन करना चाहिए इसमें? शहजाद फैसल कह रहा है जी डॉलर रेट से बहुत फायदा होता है, जी इसी डॉलर 50 पे, डॉलर 50-55 पे मैंने शुरू किया था। देखिए डॉलर बढ़ता जा रहा है वो आपके सारे मसले हल होते जा रहे हैं। जी वीडियो भी हो सकती है, कंटेंट का मतलब सब कुछ ही है फैसल, वीडियो सब कुछ ही है कंटेंट में। बाहर के एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि बाहर भी चलते हैं, जैसे मोबाइल इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, मोबाइल पे इंडियन भी आएगा, ऑस्ट्रेलियन भी आएगा, मोबाइल है आप, कुछ गेम्स हैं, फैशन भी हो सकता है, आईटी है, आईटी पे आप लिखें
माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इन सब प्रोडक्ट पे लोग पढ़ने के लिए आते हैं। जो जिसको इंटरनेशनल मार्केट पे लोग आए वो सब्जेक्ट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तानी क्लिक रेट पहले दिन से कम है, पाकिस्तानी क्लिक रेट पहले दिन से कम है। यूएसए का क्लिक रेट बहुत हाई है, $2, $3, $4, $10, $25 एक क्लिक मैंने देखा वो रेट, और जीरो भी लिखा होता है बहुत दफा, क्लिक लगा कोई डॉलर नहीं मिला, फेक क्लिक होते हैं। इसमें थोड़ी सी एहतियात होती है कि आप अपनी वेबसाइट किसी को बताएं ना, जिस तरह मिस सादिया से वेबसाइट पूछ रही थी, बखैर उन्होंने बताई नहीं है, बहुत दफा आप शौक से बता देते हैं कि जी मेरी वेबसाइट है, वो आपके जानने वाले क्लिक करवा के ऐड बंद करवा देते हैं। सादिया, यूएसए से ट्रैफिक लेने के लिए आपको कॉन्टेंट में आर्टिकल में यूएसए का वर्ड डिस्कस हो सकता है, यूएसए में जनरल सब्जेक्ट रखें जो यूएसए में भी पढ़ा जाता हो, जैसे मोबाइल का है, वो लोकल सब्जेक्ट ना रखें, और उसका एसईओ करें प्रॉपर, उस पर एसईओ से ट्रैफिक लाना। आप देखें जिस दिन आप ट्रैफिक को हजार ट्रैफिक आप डेली इकट्ठी कर गए, आप क्योंकि एडसेंस वाली वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना थोड़ा आसान है, क्योंकि वेबसाइट का साइज बहुत बढ़ जाता है, और अगर आप इस तरह की वेबसाइट पर डेली 5,000-2,000 ट्रैफिक लेके आ गया तो आपको मुफ्त में जॉब जितनी अर्निंग शुरू हो जाती है आपकी। आपकी जितनी बड़ी वेबसाइट है उर्दू पॉइंट लगा लें, ये सारी इसी पे चल रही है, डेली पाकिस्तान की, डेली पाकिस्तान पे कोई ऐड देता ही नहीं है, डेली पाकिस्तान की अर्निंग सारी इसी पे है, उर्दू पॉइंट की अर्निंग और जितनी बड़ी वेबसाइट है सारी इसी से कमाती है, जीएसएम मरीना वगैरह यही से कमाती है, एडसेंस सारे क्रिक इन्फो एडसेंस लगा हुआ है। अच्छा सर बिल्कुल, देखिए वो सारे मीडिया तो होने ही पड़ेंगे, फेसबुक हेल्प करेगा, ग्रुप होने चाहिए आपके पास, सब कुछ ही होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा ना शुरू में थोड़े से 2-4 माह लगते हैं आपको ये काम चलाने के लिए, उसमें फेसबुक के ग्रुप होने चाहिए, पेज अच्छा हो तो अच्छी बात है, गूगल में आप एसईओ में थोड़ा सा रैंक हो जाएंगे, सब चीजें करनी पड़ती हैं। असल में जिस बंदे को समझ आ जाती है ना कि इतना अरसे के बाद रिजल्ट आना है, वो अपनी तैयारी कर लेता है, मतलब तैयारी कैसे करता है जो बाद दफा कुछ लोग नहीं कर पाते। अब आपको पता है कि अगर आपने एडसेंस पे काम करना है तो ये 4-6 माह लेता है, फिर जाके सक्सेसफुल होता है। तो 4-6 माह आपको पैसे चाहिए होते हैं, आपकी अर्निंग अगर जीरो होगी तो आप 4-6 माह में भी सिर्फ इस पे काम ना करें, तो भाई मेरे आप पार्ट टाइम कुछ और स्टार्ट कर लेना, साथ जॉब ले लें। अगर आप फुल टाइम इसी में हैं, एसईओ तरफ आ गए तो आप शुरू में एडसेंस अपना शुरू करें, जॉब दिन को जॉब करें, रात को अपनी वेबसाइट पे काम करें 4-5 घंटे, वो 6 माह ऐसे गुजारें, 6 माह सिर्फ एडसेंस का वेट करते ना गुजारें आप, वरना प्रेशर आएगा घर से भी और बाकी लोगों से भी के कुछ नहीं कर रहा है फारग है। तो आप साथ ये काम करें, जॉब लें, एडसेंस शुरू करें, और जब आपको लगे 4-6 महीने बाद ये काम चल पड़ा तो जॉब करें। बिल्कुल टिप्स, इसमें टिप्स ही होती हैं, टिप्स सॉल्यूशन, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें किसी को नुकसान हो। या ई कॉमर्स वेबसाइट पे ऐड नहीं लगाए जाते, ई कॉमर्स वेबसाइट पे तो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट पड़ी होती है ना, वहां ऐड नहीं लगते, वो अर्निंग और है, उस पर मैंने भी बात करनी, ये अर्निंग है जो गूगल के एड से अर्न किया जाता है, ई कॉमर्स पे नहीं लगते ऐड लगाए जाते, कोई भी नहीं लगाता। तो मैंने तो कहा जी फैसल कि उर्दू पे क्लिक रेट कम होता है, जो कि उर्दू के पढ़ने वाले भी उर्दू वाले ही होते हैं, तो वो उनका कन्वर्जन हमेशा कम होती है। गूगल एडसेंस की वेबसाइट के लिए स्टेप बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, वैसे बानी बता देता हूँ, मेरे पास वैसे स्लाइड भी है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, आपने एक वेबसाइट बनानी है, उसका 3-4 माह काम करना है, उस पर 40-50 आर्टिकल लगाने यूनिक, और आपने कोई रोज की 200-300 ट्रैफिक बनानी है, पहले 200-300 ट्रैफिक बन जाए, 40-50 आर्टिकल हों, उसका ऑन पेज ठीक कर दें, वेब मास्टर कन्फिगर कर दें, एनालिटिक कन्फिगर कर लें सारा कुछ, और जब उसकी 3-4 माह हो जाए तो गूगल को अप्लाई कर देंगे मुझे ऐड चाहिए। गूगल आपकी वेबसाइट की एज भी देखता है, ट्रैफिक देखता है, पेज देखता है, फिर आपके ऐड अप्रूव करता है। आप अगर मेरे वाला फार्मूला मान लें ना तो आप सारी सक्सेसफुल हो जाए। आपको जो मैंने दिया ना आपको फार्मूला कि आप अपना काम स्टार्ट करें, साथ जॉब लें बस। अगर आप को और जॉब भी है तब भी चल सकता है कि आप अपनी जॉब करें, साथ इसको स्टार्ट करें। अगर कोई जॉब नहीं है तो एसईओ की जॉब लें, साथ इसको शुरू करें,
छह माह डबल शिफ्ट में काम करें और फिर जब जॉब जब काम चल पड़े जॉब से पीछे हट जाए, क्योंकि जो शुरू के चार छह माह ना जो सबसे टफ टाइम होता है, जब आप लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, पैसा भी कोई नहीं आ रहा होता, घर वाले भी आपको तंग करते हैं, हर काम आपसे करवाते हैं कि सारे दिन लैपटॉप पे फर्क बैठा हुआ है, तो जब तक आप कमा के नहीं देंगे तब लैपटॉप पे आप जो मर्जी करें आप फर्क ही नजर आएंगे। इसलिए बेहतर है कि जॉब लें और रात को आके लैपटॉप पे टाइम दें। जितने भी हैं और भी मेरे समेत सब ने बड़ा जीरो से लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। मैं अगर आपको पिक्चर शेयर करूं, मुझे याद है जब हमने शुरू किया था तो एक छोटा सा पीसी था, वो भी कोई एनशियस करते हुए पीसी लिया था और किसी उसका मॉनिटर भी किसी गत्ते पे रख के मैंने शुरू किया था काम, मुझे भी याद है, टेबल भी नहीं था पास, लेकिन वो एफर्ट कम नहीं की, एफर्ट करते रहे उसी फील्ड में रहे और आप देख लें कि कैसा रूझ आया इस फील्ड में अब, बल्कि पिछले 10 साल से ये टॉप पे है। हमारा फेसबुक का पेज जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि चलो फेसबुक से कुछ ना कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी ना, इसलिए जरूरी है। बिल्कुल फैसल, वेबसाइट मल्टीपल सब्जेक्ट पे हो सकती है, गूगल को इस बात पे कोई इतराज नहीं कि आप एक ही वेबसाइट पे मल्टी सब्जेक्ट कर सकते हैं, बल्कि लोगों ने किए होते हैं। और दूसरा, जिन्होंने जो पिछली स्लाइड थी ना कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू करना, वो गूगल बिजनेस को जरूर ऐड करें, गूगल बिजनेस को जरूर ऐड करें, गूगल बिजनेस से बहुत जल्दी काम चलता है। नेम की वजह से नहीं ना, ओनली नेम की वजह से टॉप पे नहीं आती, बाकी भी चीजें होती है ना, सिर्फ नेम नहीं है, उसको फ्रेश रखना, डेली कंटेंट डालना उसको ऑन पेज ऑफ पेज प्लस नेम, ये एक फैक्टर है। आप इसको ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी फैमिली में भी पहले को दो चार डॉक्टर थे, अब आपका भी मूड डॉक्टर बनने को कर रहा है, तो फैमिली में डॉक्टर होंगे तो आपको एड मिलेगा उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप किताब भी ना खोलें और वाले साहब डॉक्टर थे तो आप भी डॉक्टर ही बनेंगे, कभी नहीं ऐसा हो सकता। इसी तरह अगर नेम अच्छा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप काम नहीं करें, काम भी करें, नेम भी अच्छा है, आपको एड मिलेगा नेम का, और मिलता है, बिल्कुल मिलता है, नेम से आप बिल्कुल रैंक होते हैं। फिर आज आपने अपनी सर्विसेज की एक वेबसाइट बनाई है, कल को दो तीन चार बना ले, जितनी ज्यादा वेबसाइटें आपके पास होंगी उतनी ट्रैफिक का चांस ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी जो मैंने बात की, बिल्कुल आप उसको नोट कर रहे हैं कि कभी भी दो या तीन मेथड से कम पे ऑनलाइन काम नहीं शुरू करना, दो तीन मेथड को सेम टाइम पे स्टार्ट देना। शहजाद बिल्कुल ऐसे, मैंने अपने नेम नहीं कभी दिखाया आपको, एक एक नेम पे इतनी ट्रैफिक है, एक नेम से वो रैंक है बस, और वो पूरा काम दे रहा है सारा, वो तो नेम की बिल्कुल वैल्यू है। जी कोई क्वेश्चन जहां तक? अस्सलाम वालेकुम सर। सर नेम से मुझे याद आया कि काफी लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ नेम रजिस्टर्ड करके रख लेते हैं, वो उसके बाद वो नेम को सेल कर देते हैं और बड़ी अच्छी प्राइसेस में उनके नेम सेल्स हो जाते हैं। असल में बच्चे होता ये कि आप देखें, जो ऐसा लोग काम करते हैं ना कभी नहीं बताते सब खुल के, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, किधर थे, आज किधर आए, ये आपकी अर्निंग, ये आपका वो मेथड है जो एक आप साथ लगा सकते हैं इस तरह का कि आपका कोई मेन मेथड चल पड़ा, ये भी आप साथ शुरू कर लें, लेकिन ये कभी फर्स्ट मेथड इतना अच्छा नहीं होगा मेरा ख्याल आपके लिए। आप पहला कोई और जो मेथड मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, पहले मेथड इनमें से लें। इस तरह डोमेन का काम करते हैं लोग, होस्टिंग का काम करते हैं लोग, पुरानी डोमेन रीसेल करते हैं, हम भी करते हैं, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मेथड हर बंदे के लिए नहीं होता, फ्रेश के लिए कुछ मेथड नहीं है, वो एक आपका काम चल रहा है चलते में आप वो भी शुरू कर लें। ये बिल्कुल सर इसी तरह ही है, आपका जो पहला दूसरा लेक्चर था ना उसमें आपने वो डोमेन नेम के बारे में बताया था, तो मैंने एक नेम लिया था, तो उसको हो गया मेरा ख्याल है कोई दो तीन माह हो गया, तो मुझे अब होस्टिंग कंपनी वाले की कॉल ही आई थी दो चार दिन पहले, उसने कहा था कि भाई मेरे पास एक बंदा है वो ये नाम लेना चाह रहा है,
तो मुझे उसने 10,000 की ऑफर की, हालांकि मैंने वो 12-1300 रुपए में लिया था, मैंने उसे अभी ना कर दी। वो तो 10,000 तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बड़े महंगे नेम बिकते हैं, अगर नेम अच्छा हो तो बड़ा महंगा नेम मिलता है। वो असल में जिसको पसंद आ जाए वो नेम। किस बिजनेस पे था आपका? अच्छा दादा, नेम किस बिजनेस पे था आपका जो आप बता रहे हैं? वो सर था जनरल नॉलेज, मैंने सिंपल लिया था जनरल नॉलेज .pk। नहीं बहुत अच्छा नेम, नेम है ही अच्छा, तो इसलिए वो लोगों ने ऑफर की ना। भाई मेरे जब छोटी छोटी कंपनी भी नेम की तरफ आएंगी, दो वेबसाइटें बनाएंगे तो डेफिनेटली नेम नहीं मिलेंगे आप तो। बच्चे एक मिनट के लिए वेट कीजिए। जी बच्चों बड़े मैसेज आ रहे हैं जी, हाउ जॉब .pk सर ऑफ पेज एंड ऑन पेज स्टेप वाइज तरतीब से अगर आप बता दें, लाइक ऑफ पेज फर्स्ट स्टेप। जिया सर क्लास तो वैसे मैंने तरतीब से की थी कि एक सीक्वेंस से शुरू, वैसे ऑफ पेज का कोई सीक्वेंस नहीं होता ऐसे कि पहले आपने ए करना या बी करना, वो कहीं से भी शुरू कर लें आप, करने सारे ही होते हैं लेकिन सीक्वेंस आपकी मर्जी का हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस वही हो। ये कोई और बात करना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सर कोई एक लेक्चर दोबारा एक दफा अगर आप गूगल बिजनेस के ऊपर हमें दे देना। हमारा गूगल बिजनेस का लेक्चर लास्ट वाला जो कोविड से पहले का था वो दोबारा हमने चूंकि रिपीट नहीं किया था, तो अगर पॉसिबल हो सके फिर भी पड़े रह जाएगा ऐसे। चलो कल फिर कुछ चीजें जो मेथड रहते हैं कल अर्निंग मेथड पूरे करके फिर मैं उससे गूगल बिजनेस पे बात कर लूंगा।
अगर फैजल अगर डॉट कॉम मिलती है तो वो बेस्ट है, नहीं मिलती तो फिर डॉट पी के। सर सर बेस्ट ई कॉमर्स सीएमएस कौन सा सर? बेस्ट कौन सा है? जी सर। हेलो यार, उसकी डेफिनेशन इसका मैं कर रहा हूँ बात आपसे। आपने क्वेश्चन ऐसे किया कि सर बेस्ट गाड़ी कौन सी है मार्केट में? जी सर, जिसका शॉपिफाई हो गया, वेक्स हो गया, वेबली हो गया, इस तरह सर जो टॉप पे है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं सर, बेस्ट गाड़ी कौन सी मार्केट में, इसका आंसर क्या बनता है? दे जवाब कोई ना कोई सर, है कि अपने चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये भी ऐसे ही है। बहुत सारे फैक्टर्स के पीछे हैं जिसकी बेस पे डिसाइड होता है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है। और लेकिन देखें कि बेस्ट के पीछे आपका बजट भी होता है, आपकी एक्सपर्टीज भी होती है, आपका करना क्या, आपने